एसेट एलोकेशन है, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिहाज से पूछ रहा हूँ मैं कि उसे आज कैसे रखना चाहिए। जैसे इक्विटी के अंदर तो आपने समझा दिया कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 50, 30, 20 कर लीजिए। पूरे पोर्टफोलियो में, अपने पूरे इन्वेस्टमेंट में इक्विटी, डेट, बाकी सारे एसेट्स, उनका एसेट एलोकेशन कैसा रखना चाहिए आज की तारीख में, और डेट के अंदर फिर कहाँ जाना चाहिए जिससे वॉलेटिलिटी का रिस्क उससे बच सकें और जिस तरह का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सही में वो रिटर्न आपको हासिल हो सके। देखिए, मैं प्योर डेट मार्केट इन्वेस्टर की बात बाद में करूंगा। मैं अगर आप एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं कि एक इन्वेस्टर इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करना चाह रहा है और उसकी ब्रेकअप पूछ रहा है, मैं कहूंगा कि उसकी स्ट्रैटेजी सिंपल होनी चाहिए कि हाइब्रिड फंड्स में ही निवेश करना चाहिए। अगर आपको दोनों रखना है पोर्टफोलियो में, तो मेरे ख्याल में तीन तरह के आपको हाइब्रिड कैटेगरी में फंड्स है जो कि आपकी पूरी जो एसेट एलोकेशन की जरूरत है उसको आप टेक केयर कर लेगी। तो एक एंड में है बैलेंस्ड फंड्स, यानी एग्रेसिव हाइब्रिड, जिसको नाम दिया है सेबी ने उसको, जहां पे 70% इक्विटी में रहता है, 30% डेट में रहता है, राइट? तो एक यंगर इन्वेस्टर या एक मोर रिस्क अवेयर और रिस्क कंफर्टेबल इन्वेस्टर को मैं कहूंगा आप हाइब्रिड फंड्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वहां पे जो 70% इक्विटी है वही आपको अच्छा रिटर्न दिलवाएगी, बट 30% डेट आपको प्रोटेक्शन भी दिलवाएगी। और एक आपके, बट ऑब्वियसली जो प्योर इक्विटी इन्वेस्टर है वो कहूंगा मैं 50-30-20, तो मैंने कह दिया। मगर एक मॉडरेट इन्वेस्टर जो बहुत इक्विटी और डेट को शामिल करना चाह रहा है पोर्टफोलियो में, उसमें थोड़े रिस्क कंफर्टेबल पीपल को हाइब्रिड फंड्स, यानी बैलेंस्ड, ओल्ड बैलेंस्ड फंड्स में निवेश कीजिए। नंबर वन, आप थोड़े उससे रिस्क से उतना सहमत नहीं है, थोड़े और मॉडरेट रिस्क है, जिसे मैं ज्यादातर पॉपुलेशन को कहूंगा, वहां मैं कहूंगा आप चुनिए डायनामिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी। उसमें क्या होता है, आज के दिन में मोर और लेस इंडस्ट्री में 50-55% इक्विटी रख रहे हैं, और इक्विटी टैक्सेशन देने के लिए वो 10-15% अपने आर्बिट्राज में डाल रहे हैं, राइट? तो डेट रिटर्न बट इक्विटी टैक्सेशन होता है आर्बिट्राज में। और सेकेंड चीज ये है, एक मिनट, और सेकेंड चीज ये है कि उसमें कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके पास, कि आज डेट का उतना अच्छा नहीं दिख रहा है मगर इक्विटी का अच्छा दिख रहा है, तो फंड मैनेजर आपके लिए वो डिसीजन ले लेगा। तो एक डायनामिक मैनेजमेंट आपके पोर्टफोलियो आप फंड मैनेजर के हाथ में सौंप रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कभी 40% तक इक्विटी को डाउन ले जा सकते हैं, कभी 70% तक ले ऊपर भी ले सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि बैलेंस एडवांटेज फंड से जो डेट एलोकेशन उसमें बनता है वो आपके लिए काफी होगा मेरे ख्याल में। और मगर समझे कि और भी कंजर्वेटिव है, मेरे को उतना इतना रिस्क उतना इक्विटी में ले रहे हैं उतना नहीं सहमत है, मगर मेरे को डेट का भी पसंद देता है। तो इक्विटी सेविंग्स फंड एक कैटेगरी है जहां पे रफली आप देखें 35-40% इक्विटी रखते हैं, फिर 25-30% वो आर्बिट्राज में डालते हैं टू इक्विटी टैक्सेशन इफेक्ट देने के लिए, और तीसरा बाकी डेट में डालते हैं। तो एक कंजर्वेटिव अप्रोच जहां पे इक्विटी और डेट दोनों शामिल होना है, तो इक्विटी सेविंग्स फंड, और पिछले 5-6-10 साल का रिटर्न आप देखें इक्विटी सेविंग्स एज अ कैटेगरी 7-8% मिला है, तो एक करीबन आपको 8%। अब ये तीनों मैंने क्यों आपको बताया, क्योंकि ये तीनों प्रोडक्ट में आपको इक्विटी टैक्सेशन का एडवांटेज मिलता है। तो आप डेट एक्सपोजर ले रहे हैं विदाउट अ 3 ईयर लॉक इन विथ इक्विटी टैक्सेशन। तो मेरे ख्याल में ज्यादातर इन्वेस्टर जो दोनों इक्विटी और डेट को शामिल करना चाह रहे हैं, क्योंकि इक्विटी टैक्सेशन में दो एडवांटेज है, एक 1 ईयर का ही लॉक इन होता है टैक्सेशन, सेकेंड आपको खाली 10% का टैक्स है। आप 3 साल के बाद इंडेक्सेशन देखिए, अगर इन्फ्लेशन घट रहा है तो इंडेक्सेशन कहीं पर भी घटेगा। तो मेरे ख्याल में एक नॉर्मल असेट एलोकेटर जो दोनों इक्विटी एंड डेट को प्ले करता है, तो ये तीन फंड में से आप चुने बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, राइट? सिंपल सी बात है, इक्विटी टैक्सेशन एंड डेट का भी बेनिफिट।